हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिस्क एंड कंट्रोल्स पढ़ने लगे थे, यानी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या रिस्क होंगे, क्या कंट्रोल्स होंगे। और हमने जो है इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक्सपेक्टेशन के बारे में पढ़ा था कि क्या एक्सपेक्टेशन होंगी, और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या फंडामेंटल एक्सपेक्टेशन होगी। तो हमने ये जाना था इन्फॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट नॉर्मल ऑडिट के बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि एक नया एसेट पैदा हो गया है, डेटा इन्फॉर्मेशन, और वो मोर वैल्यूएबल एसेट होता जा रहा है और दिन प्रतिदिन उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। और हमने ये भी जाना था कि उसकी वैल्यू इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटेड होते जा रहे हैं, सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन से आदमी को हटाया जा रहा है वहाँ से ऑटोमेशन किया जाता है, क्योंकि आदमी पैसा मांगता है, सिस्टम जहाँ भी सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव है सिस्टम को ला दिया जाता है। आदमी नॉन रिलायबल होता है, छुट्टी लेता है, बीमार होता है, जॉब छोड़ के जाता है, अनरिलायबल होता है, सिस्टम रिलायबल होता है, सिस्टम बोर नहीं होता है, आदमी बोर होता है। तो बेसिकली जहाँ पर सिस्टम ऑटोमेट किए जा रहे हैं ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए, क्वालिटी बढ़ जाए, रिलायबिलिटी बढ़ जाए, तो ऑटोमेशन बढ़ता जा रहा है और आदमी जो है उसको उस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए डेटा पैदा हो रहा है और वो डेटा आदमी कंट्रोल कर रहा है। मतलब फाइनल सिस्टम में जो सिस्टम के जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर है वहाँ पर आदमी है, वो कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली सिस्टम किस लिए बना है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बना है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है कि आदमी को कम से कम पैसे में वैल्यूएबल गुड्स दिए जाएं, पर्टिकुलर गुड्स दे दिए जाएं, और उसकी कॉस्ट कंटिन्यूसली कॉस्ट कम होती चली जाए, तो उसके लिए ऑटोमेशन की ज़रूरत है। और फाइनली जो है उस इकोनॉमिक सिस्टम को जो कंट्रोल कर रहा है वो आदमी कंट्रोल कर रहा है और डेटा के थ्रू कर रहा है, और डेटा बहुत वैल्यूएबल हो गया है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि डेटा जो है आज की डेट में नॉर्मल एसेट से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो गया है। फेसबुक जैसी कंपनी $100 बिलियन का वैल्यूएशन होता है और वो डेटा बना रही होती है, हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी कंपनी उसके टक्कर में नहीं होती है। मतलब वो प्योरली डेटा बेस्ड कंपनी है। सुबह अचानक एक डोमेट्री से मार्क जुकरबर्ग का लड़का उठता है और वो फेसबुक को क्रिएट कर देता है, $100 बिलियन की कंपनी को क्रिएट कर देता है। और उसका एसेट क्या है, वैल्यूएबल एसेट क्या है, डेटा, फेसबुक का, व्हाट्सएप किस पर काम करती है, डेटा ट्रांसमिट करती है, $19 बिलियन। इंडिया की पूरी इकोनॉमी $1900 बिलियन। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा कि एक नया एसेट पैदा हो गया है जिसका नाम डेटा है, और डेटा को छोटी सी जगह में रखा जा सकता है, और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है और छोटे एरिया में और ज़्यादा डेटा रख सकते हैं हम, और उस डेटा को विद इन सेकेंड्स डिलीट किया जा सकता है, चोरी किया जा सकता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है, और वो डेटा की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, इसलिए उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, उसकी इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, उसको डिलीट किया जा सकता है, उसको करप्ट किया जा सकता है, और एक ही सेकंड में वो वैल्यूएबल एसेट वैल्यूलेस एसेट बन जाता है, और उस एसेट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और फिर हमने कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के फंडामेंटल जो हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी और क्या होते हैं, ये हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिस्क, और जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिस्क, इसको ईजिली समझा जा सकता है। मतलब इसमें बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स, बड़े टेक्निकल वर्ड्स, बड़े घुमावदार वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, लेकिन सिंपल कुछ वर्ड्स से इनको इसको भी समझा जा सकता है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिस्क में रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं। रिस्क असेसमेंट क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या चीज़ पैदा हो गई है जिसकी वजह से हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं। एक वैल्यूएबल एसेट पैदा हो गया है जिसका नाम डेटा है या इन्फॉर्मेशन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हम रिस्क को एसेस करते हैं तो ISO जो है हमें रिस्क की डेफिनेशन देता है, और उसी के चारों तरफ हमारी स्टडी ने इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिस्क को एक्सप्लेन किया है। तो वो कहता है चार चीज़ें होती हैं, एसेट, थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटी और इम्पैक्ट। यानी कि कल की डेट में सपोज आपको एक धमकी मिलती है, मैं तेरा घर जला डालूंगा, तो जब कोई आदमी कहता है कि मैं तेरा घर जला डालूंगा, तो घर है एसेट, किसको जलाने की बात कर रहा है, घर को जलाने की बात कर रहा है।
इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो वैल्यूएबल एसेट है वो डेटा है नो डाउट, लेकिन हम इस एग्जांपल को समझ लेते हैं तो ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। बड़ा लंबा टॉपिक है, बड़ी फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ की गई है, बड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ की गई है, लेकिन अगर हम इस एग्जांपल को समझ लेंगे तो पूरे चैप्टर को समझ लेंगे। बेसिकली एक आदमी आपको थ्रेट देता है, कहता है मैं आपका घर जला डालूंगा। घर है एसेट। आप ये सोचते हो कि ये आदमी मेरे घर को जला देगा। अब जला देगा तो घर किसका बना हुआ है, घर में वनरेबिलिटी क्या है कि अगर जल जाएगा कि घर नहीं जलेगा। घर आपको पता चलता है कि यार लकड़ी का बना हुआ है, आपको डर लग जाती है, वनरेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, आप कहते हो कि घर तो पूरा जल जाएगा। मतलब एक थ्रेट एसेट जो है आपका घर हुआ, थ्रेट पैदा हुई, थ्रेट फायर की थ्रेट हुई, मैं घर जला डालूंगा, जलाना जो है थ्रेट हो गई, जलाना फायर, फायर जो होगी थ्रेट हो गई उस घर के लिए। उसके बाद वनरेबिलिटी आई, वनरेबिलिटी क्या है, घर किसका है, लकड़ी का है तो आपको घर जल जाएगा। सीमेंट का है, आपका घर सीमेंट और स्टील का बना हुआ है, बल्कि स्टील लगा हुआ है आपके घर में। थोड़ी देर के लिए थोड़ा एग्जैजरेट कर देते हैं सिचुएशन के, स्टील का घर कहाँ होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपने स्टील का, मैवरिक आदमी, आपने स्टील का घर बना दिया। आपके तो मेरे घर को जला डालेगा, जला दे, जलेगा ही नहीं, कंबस्टिबल मटेरियल ही नहीं, वनरेबल ही नहीं है, मेरा एसेट वनरेबल नहीं है जलने के लिए, थ्रेट काम ही नहीं करेगा। तो अगर कोई आदमी, आपका दोस्त आपको धमकी भरा फ़ोन देगा कि मैं तेरा घर जला दूंगा, तो आपके दिमाग में आएगा मेरा घर तो स्टील का बना हुआ है, जल ही नहीं सकता। वो कहेगा यू आर मोस्ट वेलकम, जला दो मेरे घर को, वनरेबिलिटी। लेकिन अगर आपका घर लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का बना है तो क्या होगा, लकड़ी का बना है तो जल जाएगा, आपको डर लगेगी, आप पुलिस को फ़ोन करोगे या कहोगे कि मैं देख लूँगा तुझे। उसके बाद इम्पैक्ट क्या होगा आप देखोगे, आपका घर अगर जल गया 20 लाख रुपए का लॉस होगा सपोज, या 25 लाख रुपए का लॉस होगा, अगर वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है उस घर को फिर से बनाने के लिए, या वो बनाने के लिए 25 लाख रुपए की कॉस्ट लगेगी, तो आप क्या करोगे कि 25 लाख रुपए की कॉस्ट लगेगी, तो वो इम्पैक्ट हो गया, 25 लाख रुपए आपका इम्पैक्ट हो गया। लेकिन आप सोच रहे थे कि इस घर को जो है मैं मुझे इस घर को तोड़ना है, और ये घर को तोड़कर मुझे नया घर बनाना है इसकी जगह में, और तोड़ने में उल्टी कॉस्ट आ जाएगी, तोड़कर उल्टी कॉस्ट आएगी, सामान को बेचूंगा, सब कुछ मिलाकर 10,000 रुपये का फ़ायदा होगा और बाकी कुछ नहीं होगा। तो अगर ये मेरे घर को जला देता है तो कोई लॉस ही नहीं होगा मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको जलाने के बाद घर गिर जाएगा और उसकी जगह फिर मैं नया घर बनाने लगूँगा, तो इम्पैक्ट वहाँ पर जो है निल है। लेकिन अगर घर में, घर बनाने के बाद अगर मेरा मन है कि अभी मैं 25 साल और रहूँगा इस घर में, और ये घर बहुत बढ़िया है, बड़ी अच्छी टीक की मैंने इसमें वुडिंग वुड लगा रखी है, टीक वुड का इस्तेमाल कर रखा है, और ये घर जला देगा तो 20 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा, तो इम्पैक्ट 20 लाख होगा। तो एसेट्स, थ्रेट, वनरेबिलिटी और इम्पैक्ट, चार चीज़ें हैं, और रिस्क असेसमेंट में चार चीज़ें हैं। एसेट है जिसको रिस्क होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटी इसलिए पैदा हुआ है कि एक नया टाइप का एसेट पैदा हो गया जिसका नाम डेटा है, इंफॉर्मेशन है, और उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, आने वाले हर 5 साल में उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। आजकल इंटरनेट वगैरह ये है, क्या चीज़ जाता है इस इंटरनेट में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, वो बेसिकली अपने आप को डेटा के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, हर जगह डेटा मूव कर रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डेटा कंपनी पैदा हुए हैं, और उनके पास एक ही एसेट है, मेन एसेट है डेटा। जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी ये इस लेक्चर में, वो क्या है, यूट्यूब में अपलोड हो जाता है, डेटा ही है। आप रिट्राइव कर रहे हो, वो क्या है, डेटा ही है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जहाँ पर भी रिस्क असेसमेंट होगा, चार चीज़ें होंगी, एसेट्स, थ्रेट्स, वनरेबिलिटी और इम्पैक्ट। नॉर्मल कोई भी रिस्क असेसमेंट हो, एसेट जो इंपॉर्टेंट एसेट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, आप ऑडिटर हो गए हो तो जो इंपॉर्टेंट एसेट है वो डेटा है। थ्रेट्स क्या है, थ्रेट्स हो गई आग लग जाएगी या कुछ सेबोटाज हो जाएगा, वो थ्रेट्स हैं। वनरेबिलिटी क्या है कि सिस्टम कितना वनरेबल है। अगर मान लिया सपोज आग लग गई और फिर भी डेटा अवेलेबल है, आपका बैकअप डेटा है, वनरेबल नहीं है। अगर डेटा दो जगह पड़ा हुआ है आपका, वनरेबल नहीं है डेटा, वनरेबल नहीं है। अगर चार जगह आपने डेटा सेव कर रखा है, चार बैकअप्स रख, तीन में एक्स्ट्रा बैकअप्स रख रखे हैं, और डेटा फिर वनरेबल नहीं है,
वनरेबिलिटी ये डिसाइड करती है कि डेटा वनरेबिलिटी वनरेबल है कि नहीं है। उसके बाद इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब कितने का लॉस हुआ। अगर लॉस नेग्लिजिबल है तो रिस्क कम है, मतलब रिस्क जो है बिजनेस वैल्यू ऑफ एसेट पर डिपेंडेंट है। अगर एसेट ज़्यादा वैल्यूएबल हो गया तो रिस्क बढ़ गया। कल की डेट में डेटा की उतनी वैल्यू थी ही नहीं, तो इसलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर था ही नहीं। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर वहाँ से आया जहाँ से डेटा की वैल्यू बढ़ गई। अब डेटा की वैल्यू बढ़ गई तो उन सिस्टम्स की वैल्यू बढ़ गई जिसमें वो डेटा रहता था। डेटा को रखने के लिए राजा की वैल्यू तो होती होती, उसके सिंहासन की भी वैल्यू होती है, तो डेटा की और पूरे वो तामझाम की वैल्यू बढ़ गई। और वहाँ पर आ गया एक नया ऑडिटर, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। उन्होंने कहा जी वैल्यू हो गई बहुत ज़्यादा, एक और नई चीज़ पैदा कर दो, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। नॉर्मल ऑडिटर से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड ऑडिटर चाहिए, डेटा के लिए ऑडिटर चाहिए, और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर पैदा कर दो। और वहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर पैदा कर दिया गया। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क के बारे में पढ़ते हैं। रिस्क असेसमेंट क्रिटिकल है और इनहेरेंट पार्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर का, क्या ऑडिट का, ऑडिट प्लानिंग का, ऑडिट इम्प्लीमेंटेशन का। यानी कि हमारी स्टडी कहती है कि अगर आप ऑडिट प्लानिंग कर रहे हो और ऑडिट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो और आप एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हो तो रिस्क असेसमेंट बहुत क्रिटिकल है और इनहेरेंट पार्ट है। और रिस्क असेसमेंट क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक छोटा सा डेटा, छोटी सी जगह पर रखा हुआ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एक छोटी सी एसेट में रखा हुआ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो रिस्क असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल और इनहेरेंट पार्ट है। मतलब रिस्क जब भी आप जाओगे, रिस्क असेसमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरे पर्सपेक्टिव, कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से रिस्क असेसमेंट की बात हमारी स्टडी कर रही है। और वो ये कहती है कि रिस्क असेसमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हो तो आप जब प्लानिंग करोगे और ऑडिट इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो आप रिस्क असेसमेंट जरूर करोगे। और फिर वो ये कहती है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर का जो वर्क होता है वो अधिकतर वर्क, सिग्निफिकेंट पार्ट यानी 80% 90% उसका काम ये होता है कि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिस्क को समझे, उनके कंट्रोल्स के साथ उनके रिलेशनशिप को समझे, और उसके बाद ये समझे कि एक्सपोजर क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन को, आईएस रिस्क का क्या एक्सपोजर होगा, ये अंडरस्टैंड करना है। कि उसको ये करना है कि अगर मान लिया सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक है, बैंक में बैंक का डेटाबेस सबसे इंपॉर्टेंट है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस इंपॉर्टेंट, तो उसको पता होना चाहिए कि डेटा वहाँ रखा है, आईएस एसेट जो जिसका जो डेटा में भी क्लासिफाइड डेटा है, डेटा में भी क्लासिफाई करेगा वो कौन क्रिटिकल डेटा है, कौन डेटा है जो सबसे वैल्यूएबल है। तो बैंक में जो आपके बैंक के डेटाबेस में जो डेटा पड़ा हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, वो बहुत क्रिटिकल है, और वो ख़त्म तो ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म, वो ख़त्म तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ख़त्म। तो जब इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर किसी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करेगा तो आईएस रिस्क असेसमेंट करेगा, और वो क्या करेगा, रिस्क एंड वल्नरेबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करेगा और आइडेंटिफाई करेगा, और फिर उसी के हिसाब से कंट्रोल्स देखेगा, और उसके बाद देखेगा कि कंट्रोल्स ऐसे होने चाहिए कि उस रिस्क को मिटिगेट कर सकें। यानी कि एक बैंक है, बैंक में कई तरह के सर्वर्स हैं, लेकिन डेटाबेस सर्वर सबसे क्रिटिकल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर रिस्क असेसमेंट करेगा और देखेगा वहाँ पर सही तरीके के कंट्रोल लगें कि नहीं लगें। अगर ये सर्वर ख़त्म हो गया तो क्या होगा, ये डेटाबेस सर्वर जहाँ पर सब लोगों के बैंक अकाउंट की डिटेल्स पड़ी है, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक और बैकअप होना चाहिए, और ज़रूरी हो तो दूसरा बैकअप होना चाहिए, मिररिंग होनी चाहिए, ताकि कहीं यहाँ ये डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ही लाइफ है बैंक की, और यही लाइफ है उस बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, अगर ये ख़त्म तो बैंक के बिलियंस ऑफ डॉलर्स ख़त्म। तो बेसिकली ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर जो है रिस्क असेसमेंट उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। रिस्क असेसमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि मैंने जैसा बोला आज की डेट में एक 64 GB की पेन ड्राइव आती है, 7 TB की एक हार्ड डिस्क आ गई, छोटी सी हार्ड डिस्क, हथेली के बराबर की हार्ड डिस्क, 7 TB रख सकते हैं। और कल की डेट में 1 PB आप एक उसमें पेन ड्राइव में रख सकते हैं। 1 PB मतलब ये US लाइब्रेरी, जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, उसका सारा डेटा एक पेन ड्राइव में आ जाएगा। और कल की डेट में बोलते हैं कि सारा डेटा एक DNA साइज्ड एरिया में आ जाएगा। एक DNA मतलब पेन ड्राइव में तो पूरी हिस्ट्री आ जाएगी हमारी, ये बोला जाता है। तो यानी कि सारा का सारा डेटा एक छोटी सी जगह में आ रहा है, और उस छोटी सी जगह में कभी भी उसे डिलीट किया जा सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और वो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है।
उस डेटा से सारी इकोनॉमिक सिस्टम्स को हम कंट्रोल कर रहे हैं, जो नीचे के इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं ऑटोमेट होते जा रहे हैं, और उस ऑटोमेशन में सेंसर्स लगते जा रहे हैं और सेंसर्स बढ़ते जाएंगे और बिलियंस ऑफ सेंसर्स 2020 में उसमें बिलियंस ऑफ सेंसर्स लग जाएंगे और इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्रिएट हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑडिटर, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर का काम बढ़ता जाएगा, आपका काम बढ़ता जाएगा, हमारा काम बढ़ता जाएगा, और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर वैल्यूएबल होता जाएगा, और उसे रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा कंट्रोल्स उस रिस्क के बराबर के कंट्रोल्स हैं कि नहीं है, और इम्पैक्ट क्या रिस्क है। जैसे मेरा घर है, घर की धमकी दे दी आपको दोस्त ने, आपसे बोला कि घर जला दूंगा, अब आप रिस्क असेसमेंट करो, करे 20 लाख रुपए का तो लॉस हो जाएगा, 20 लाख रुपए का ब्याज क्या आता है यार, महीने का तो 20,000 रुपया, 15,000 रुपया तो ब्याज ही होगा, 15,000 रुपये ब्याज ही होगा, तो सिक्योरिटी गार्ड लगा लो, 5,000 की दो सिक्योरिटी गार्ड लगा लो, जब तक थ्रेट रहेगी तब तक सिक्योरिटी गार्ड हर समय दिखते रहे, या 20-50,000 रुपये के टीवी कैमरा लगा दो, या लाख रुपये की आप रेलिंग लगा दो चारों तरफ और साथ में दो गार्ड रख दो। अगर 50 लाख रुपए का घर जला दिया, 50 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा, तो एक रेलिंग लगा लो, 2-4 लाख रुपए की रेलिंग लगा दो, एक लाख 1.5 लाख रुपए की रेलिंग लगा दो जिसमें कोई अंदर नहीं आ सके, और दो गार्ड खड़े कर दो हर, क्योंकि 50 लाख का अगर वो होगा तो महीने के 25-30,000 रुपए का तो ब्याजी का नुकसान हो जाएगा। तो आपने रिस्क असेसमेंट किया और वहाँ पर क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस निकाली, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस निकाल के कंट्रोल्स लगा दिए, यानी गार्ड्स लगा दिए या पैरामीटर्स लगा दिए, और कहा कि भैया आप सुरक्षित हैं, अब ये एसेट नहीं जाना चाहिए, और अगर स्टील का घर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, गार्ड की ज़रूरत नहीं, उन्होंने कहा कि जला दे तू। अब उसने कहा जी चोरी कर लूँगा, चोरी कर लूँगा तो थ्रेट चेंज होगी, जैसे पहले फायर थ्रेट थी अब चोरी होगी, चोरी होगी तो उसने, आपने सोचा स्टील चोरी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वन पीस में घर बना रखा आपने, गोडाउन बना रखा, सपोज वन पीस में स्टील का गोडाउन बना रखा, उसको कोई निकाल ही नहीं सकता, आपने कहा जी निकाल ले, जो चोरी करना है कर ले भाई। तो बेसिकली आपको कंट्रोल्स देखने पड़ेंगे, कंट्रोल्स क्या लगाने हैं, कंट्रोल्स किस लेवल के लगाने हैं जिससे कि वो रिस्क मिटिगेट हो जाए, बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा, और इसी को बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में हमारी स्टडी बोलती है। इसके बाद हमारी स्टडी कहती है आईएएस रिस्क और आईएएस कंट्रोल्स और ऑडिट प्रोफेशनल को एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, काई चीज़ की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन रिस्क को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, और बिजनेस रिस्क के साथ उसे कनेक्ट करके देख सकें, उसका रिलेशनशिप देख सकें बिजनेस रिस्क के साथ। तो बेसिकली आईएएस रिस्क क्या है, डेटा रिलेटेड रिस्क है, फाइनली इट बॉयल्स डाउन टू डेटा, डेटा रिलेटेड रिस्क जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम का रिस्क है। तो ये वो डेटा का, डेटा बिजनेस के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप है, फेसबुक है, डेटा ही बिजनेस है। अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और वो ड्रग को मैन्युफैक्चर करती है तो डेटा वहाँ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर वो ड्रग की रिसर्च कर रही है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएटेड है, क्योंकि ड्रग जो है, कोई भी ड्रग है, उसकी रिसर्च में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं, और उसकी उसका डेटा बाहर निकल गया तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो उसे देखना पड़ेगा, आईएएस रिस्क को बिजनेस रिस्क के साथ वो करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस चलाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है, बिजनेस को चलाना है, और बिजनेस को चलाने के लिए क्या है, हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट किया, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट किया क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव हो, प्रॉफिट ज़्यादा बढ़े, बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी हो, बिजनेस चले। और प्रॉफिटेबिलिटी क्यों है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम एफिशिएंसी क्रिएट करता है, नीचे चीज़ें ऑटोमेट आ जाती हैं, आपके पास डेटा आने लगता है, और वो डेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पास जाता है, उससे सिस्टम को आप कंट्रोल करते हो, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से उसको कंट्रोल करते हो, और ऑटोमेशन को कंट्रोल करते हो, कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल करते हो, और वहाँ से डेटा आता है, और डेटा से फिर डिसीजन लेते हो। तो कहने का मतलब ये इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क को बिजनेस रिस्क के साथ को रिलेट करना है। अब ये टेक्निक बड़ा अजीब सा लगेगा जब आप स्टडी पढ़ोगे, तो सिंपल ये समझो, इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क जो है डेटा का रिस्क है, और बिजनेस रिस्क क्या है, प्रॉफिट कितना ज़्यादा मिलेगा, डेटा उसमें कितनी हेल्प करेगा। तो फेसबुक है तो डेटा ही बिजनेस है, डेटा ही प्रॉफिट दे रहा है, गूगल है तो डेटा ही बिजनेस है, माइक्रोसॉफ्ट है तो वहाँ सॉफ्टवेयर ही बिजनेस है, यानी डेटा ही बिजनेस है, सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, कोड्स ही तो हैं, तो यानी कि वो कोड्स ही बिजनेस है। तो वहाँ पर आप देखोगे अगर वो कोड कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, सबको पता चल गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी।
इसके बाद हमारी स्टडी ये बोलती है कि ऑडिटर के पास इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर यानी आपके पास एक एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। वो एक्सपर्टीज़ क्या है कि सबसे पहले मैनेजमेंट रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को आप समझो कि मैनेजमेंट की एक रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होगी, मैनेजमेंट भी रिस्क असेस कर रहा होगा और मैनेजमेंट और आप इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क इवेल्युएट करोगे। तो आपको देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट करने पड़ेंगे मैनेजमेंट रिस्क प्रोसेसेस को और आईएस रिस्क प्रोफाइल, आपने जो फाइंड आउट की और मैनेजमेंट ने जो फाइंड आउट की है, और दोनों रिस्क को देखना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली एज एन ऑडिटर आपको टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बाद मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कंट्रोल्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उसके बाद ही आप ये देखोगे कि जो कंट्रोल का फ्रेमवर्क है वो इफेक्टिव है कि नहीं है, जो आईएस रिस्क हैं उस पर कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं कि नहीं है। इसके बाद हमारी स्टडी कहती है कि इंफॉर्मेशन आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आईएसओ स्टैंडर्ड्स क्रिएट करता है। तो आईएसओ के स्टैंडर्ड्स के बारे में हमें पढ़ना है, आईएसओ के स्टैंडर्ड्स के बारे में हमें जानना है, और ये आईएसओ के स्टैंडर्ड्स ही हम ऑर्गेनाइजेशन में लगाएंगे, क्योंकि आईएसओ के स्टैंडर्ड्स ही हम अडॉप्ट करेंगे थोड़ा सा चेंज करके, जो या पूरे आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन के पास लिबर्टी होती है वो पूरा का पूरा स्टैंडर्ड अपने ऑर्गेनाइजेशन में उठा के लगाते या उस स्टैंडर्ड को कुछ चेंज करके लगाए। तो यानी कि आईएसओ का स्टैंडर्ड समझना जरूरी है सबसे पहले, वो स्टैंडर्ड हमें ये बताएगा कि वो स्टैंडर्ड्स, वैसे वो स्टैंडर्ड्स किस लिए इशू होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए इशू होते हैं, तो उसको अडेप्ट करना पड़ता है जब आपको अपनी कंपनी में कोई स्टैंडर्ड्स ले रहे हो। तो आईएसओ स्टैंडर्ड्स के बारे में वो हमारी स्टडी बताती है, वो कहती है कि चलो अब हम चलते हैं आईएस रिस्क को अंडरस्टैंड करते हैं, और आईएस रिस्क को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हमारे सामने पढ़ा है स्टैंडर्ड, कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ा है, कौन सी गाइडलाइंस पढ़ी हैं, आईटी सिक्योरिटी की मैनेजमेंट गाइडलाइंस कौन सी हैं जो कि आईएसओ ने पब्लिश की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने पब्लिश की है। तो हमारी स्टडी कहती है कि आईएसओ जो है रिस्क को डिफाइन करता है, और रिस्क को क्या कहता है कि रिस्क एक पोटेंशियल है, यानी कि पोटेंशियल मतलब ये है कि कुछ गलत हो सकता है फ्यूचर में, मतलब कुछ गलत होना, फ्यूचर में कुछ गलत होना हो सकता है, और क्यों हो सकता है, क्योंकि कुछ वनरेबिलिटीज़ हैं, और वनरेबिलिटीज़ किसकी हैं, एसेट या ग्रुप ऑफ एसेट की हैं, और वो वनरेबिलिटीज़ अगर प्ले कर जाएंगी तो कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉस या डैमेज हो जाएगा एसेट का, और इसी को रिस्क कहते हैं। यानी रिस्क क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट में अगर कोई नुकसान हो, कोई थ्रेट पैदा हो जाए, थ्रेट और आपके सिस्टम में कोई वनरेबिलिटी हो जिसे वो थ्रेट एक्सप्लॉइट कर सके और उससे कुछ इम्पैक्ट हो जाए तो वो रिस्क होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर सरल भाषा में बोला जाए, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में बोला है, अगर सरल भाषा में बोला जाए, एसेट कौन सा एसेट इंपॉर्टेंट हो गया, डेटा इंपॉर्टेंट एसेट्स हो गया, डेटा जो है आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो डेटा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, तो डेटा इंपॉर्टेंट हो गया, तो डेटा क्या है, आईएस एसेट है, और डेटा किस में रखा जाता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, उसे प्रोसेस मैनेज करने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रोसेसिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, रखने के लिए हार्डवेयर्स होते हैं, और हार्डवेयर में उस सॉफ्टवेयर को रखकर उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, तो वो पूरा एक सिस्टम बन गया, एक पूरा इन्वायरमेंट बन गया, उसे आईएस इन्वायरमेंट कहा गया। तो आईएस इन्वायरमेंट के जो रिस्क हैं वो किससे रिलेटेड रिस्क होंगे, वो डेटा से रिलेटेड रिस्क होंगे। तो डेटा में अगर कोई थ्रेट है, कोई भी थ्रेट है, मान लो डेटा डिडलिंग का थ्रेट है, या गलत प्रोसेसिंग का थ्रेट है, या डेटा का इंटेग्रिटी वायलेट हो रही है, या कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट हो रही है, या अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही, किसी रीज़न की वजह से वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो बेसिकली थ्रेट है, और उन थ्रेट्स का इम्पैक्ट क्या होगा, यही हमारी स्टडी हमें बताती है, यही हमें बताया, हमारी स्टडी ये बताती है कि आईएसओ जो है रिस्क को इसी तरीके से डिफाइन करता है, यानी रिस्क जो है वो बेसिकली एक थ्रेट है जो एसेट की वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है और उससे एक इम्पैक्ट हो जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रिस्क क्या है, रिस्क एक थ्रेट है जो किसी वनरेबिलिटी, एसेट की किसी वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है और उससे कुछ इम्पैक्ट हो जाता है, इम्पैक्ट मतलब कुछ लॉस हो जाता है, कितने रुपए का इम्पैक्ट आया, जैसे आपका घर जला, घर एक एसेट है, जलना थ्रेट है, जला डालूंगा उस घर को थ्रेट है, वनरेबिलिटी क्या है कि उस
किस चीज़ का बनाया है जिससे वो वनरेबल है, जलने से क्या प्रॉब्लम होगी, जलने से क्यों लॉस होगा। अगर मान लीजिए सपोज एक एसेट है, एसेट में अगर एम्प्लॉई ने कोई इंटेग्रिटी वायलेट कर दी तो उससे क्या होगा। इंटेग्रिटी वायलेट की मालूम पड़ा एक ISO का स्टैंडर्ड है आपके उसमें रखा हुआ है, सिस्टम में रखा हुआ है, अगर उसने उसे चेंज कर दिया तो क्या इम्पैक्ट होगा। कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, आप वेबसाइट में जाओगे नया उठा लोगे, नया स्टैंडर्ड ले लोगे, वहाँ कोई रिस्क नहीं है क्योंकि वो उसके अंदर वनरेबिलिटी नहीं है। आप एक्सप्लॉइट भी करो तो दूसरी अवेलेबल है, इजी अवेलेबिलिटी है ISO की स्टैंडर्ड की, वेबसाइट में ISO को स्टैंडर्ड अवेलेबल। लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन का आप स्टैंडर्ड बना रहे हो, सबसे कम्युनिकेशन हो गया, अब आप स्टैंडर्ड की कॉपी निकाल रहे हो और वो आपके सिस्टम है और वो करप्ट हो गई, तो वहाँ पर वनरेबिलिटी, आपको दूसरी कॉपी बनानी पड़ेगी। कई बार आप एक्सेल में कुछ काम कर रहे हो तो मालूम पड़ा गलती से फाइल डिलीट कर दी और रिसाइकल बिन से भी निकाल दी, तो वो वनरेबिलिटी होती है, उसको फिर से बनाना पड़ेगा, आपको मेहनत लगानी पड़ेगी, उसमें लॉस हो गया, आपके टाइम का लॉस हो गया, इम्पैक्ट आ गया। तो यही हमारी स्टडी समझाने की कोशिश कर रही है और इसी के चारों तरफ सारी कहानी घूमती है। वो ये बोलती है कि इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी ISO का मैनेजमेंट IT सिक्योरिटी का जो पेपर है, गाइडलाइंस है, जो गाइडलाइंस है मैनेजमेंट ऑफ IT सिक्योरिटी करके गाइडलाइंस है, वो रिस्क को डिफाइन करती है और रिस्क कहती है कि एक पोटेंशियल है, पोटेंशियल फ्यूचर के लिए होता है और उसकी किस चीज़ का पोटेंशियल है कि एक थ्रेट मटेरियलाइज ना हो जाएगी। थ्रेट कैसे मटेरियलाइज होगी, वो वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेगी। वनरेबिलिटी किसकी होगी, एसेट की होगी या ग्रुप ऑफ एसेट की होगी और उससे कुछ इम्पैक्ट हो जाएगा, वो इम्पैक्ट क्या होगा, लॉस या डैमेज होगा उस एसेट को। तो जितना इम्पैक्ट होगा रिलेटिव, जितनी सीवियरिटी होगी रिस्क की उतनी ही रिस्क होगा, यानी कि रिस्क बिजनेस वैल्यू ऑफ एसेट के प्रोपोर्शनल है, यानी कि वैल्यू ऑफ एसेट ज़्यादा होगी तो रिस्क ज़्यादा होगा। फेसबुक का डेटा जो है ज़्यादा वनरेबल है, ज़्यादा रिस्क है वहाँ पर, बल्कि एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका डेटा उतना ज़्यादा वनरेबल नहीं रहता है। और रिस्क जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेट पर डिपेंडेंट है कि कितनी बार वो थ्रेट कितनी बार आ जाती है, आग कितनी बार लगती है, चोरी कितनी बार होने के चांसेस हैं, उस पर भी रिस्क डिपेंडेंट है। तो ये डेफिनेशन है ISO की। ISO ये बोलता है कि किसी भी एसेट पर कोई थ्रेट हुई और उसकी वनरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हुई और एक इम्पैक्ट हो गया उसे, उस ये पर्टिकुलर पोटेंशियल को, किसी एसेट की थ्रेट को एक्सप्लॉइट करके, वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके कोई इम्पैक्ट होना, वो रिस्क कहलाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि भाई अगर एक रिस्क हुआ तो हमें कुछ इंटरनल कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। तो इंटरनल कंट्रोल्स क्या लगाने पड़ेंगे, एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये थ्रेट्स जिससे कि कुछ हार्म होता है, कुछ नुकसान हो जाता है एसेट का, उससे हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उनको असेस करना पड़ेगा कि क्या क्या थ्रेट्स आती हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस देनी पड़ेगी। क्योंकि जितनी हमारी ISO का स्टैंडर्ड बोलता है, रिस्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेट का। तो आपको देखना पड़ेगा क्या प्रोबेबिलिटी अकरेंस की है, रिकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी, अकरेंस की प्रोबेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी, रिकरेंस की प्रोबेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी कि साल में दो बार आग लगने के चांसेस तो नहीं है, तीन बार तो नहीं है, या कोई और चीज़ के चांसेस तो नहीं है, चोरी होने के ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, कहीं पर रोज ही चोरी होती है तो चोरी होने के चांसेस कितने। उसके अलावा क्या है कि जो वनरेबिलिटी है उसे सेव गार्ड करना पड़ेगा, हमें एसेट को वनरेबिलिटी से सेव गार्ड करना पड़ेगा, इससे थ्रेट मटेरियलाइज नहीं होगी। उसके बाद रिजल्टिंग इम्पैक्ट को हमें एनालाइज करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि क्या हार्म है ऐसे एसेट को और वनरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट ना हो, ये हमें देखना पड़ेगा। तो IS रिस्क को हम इस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, यही हमारी स्टडी बताती है। मतलब वो टिपिकल टर्म्स में बताती है, घुमा फिरा के बताती है, बड़े टेक्निकल वर्ड्स में बताती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो वो हमारी स्टडी इन इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क को सिंपली बताती है कि रिस्क असेसमेंट करना ऑडिटर का काम है, क्योंकि डेटा बढ़ता जा रहा है, डेटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, डेटा में रिस्क बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद बोलता है चार चीज़ें होती हैं रिस्क में, एसेट, थ्रेट, वनरेबिलिटी और इम्पैक्ट। इन चारों चीज़ों को देखना है और इन चारों चीज़ों को सेव गार्ड करना है, एसेट को सेव गार्ड करना है, थ्रेट से सेव गार्ड करना है, वनरेबिलिटी एक्सप्लॉइट ना हो पाए उस एसेट की उससे सेव गार्ड करना है, और इम्पैक्ट देखना है, मिनिमाइज करना है उस इम्पैक्ट को, और उसके लिए कंट्रोल लगाने हैं, और वही कंट्रोल्स हैं।
बेसिकली जो आईएएस रिस्क पर जो कंट्रोल्स लगाने, यही कंट्रोल्स इस पर लगाए जाएंगे। यानी कि बेसिकली अगर इसको क्रक्स में देखा जाए तो ये कहा जाएगा इन डेटा को किसी भी तरीके से हमें सिक्योर करना है, क्योंकि वही डेटा प्रोसेस होगा तो सॉफ्टवेयर को भी सिक्योर करना पड़ेगा। वही डेटा किसी हार्डवेयर में जाकर रहेगा या हार्डवेयर में से मूवमेंट करेगा, डेटा इन ट्रांजिट होगा या डेटा एट रेजिडेंट डेटा हो तो डेटा हार्डवेयर से मूव केबल लाइन से मूव कर रहा होगा या कहीं पर बैठा होगा डेटा, किसी हार्ड डिस्क में बैठा होगा डेटा, तो उस हार्ड डिस्क को भी हमें करना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम एसेट को पूरा हमें सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि उस डेटा को सिक्योर करना है, क्योंकि उस डेटा की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई है। तो अब हमारी स्टडी सबसे पहले पहली चीज़ को लेती है, एसेट को लेती है। एसेट के बारे में वो ये बोलती है कि पहला स्टेप जो रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट है एसेट, क्योंकि एसेट इंपॉर्टेंट है, डेटा इंपॉर्टेंट हो गया है। जो वो एसेट डेटा का नाम नहीं लेती, क्योंकि डेटा के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन एसेट्स में वो सारी चीज़ बोलती है, लेकिन हमारे आपके बीच में ये समझने की बात है, डेटा इंपॉर्टेंट हुआ है इसलिए बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई। इन्फॉर्मेशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन का सिस्टम है वो, और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंफॉर्मेशन है, यानी डेटा इंपॉर्टेंट है। डेटा इंपॉर्टेंट हुआ तो बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। तो एसेट जिसे कंट्रोल करना है वो डेटा और उसको सपोर्ट करते हुए चीज़ों को हमें को सिक्योर करना है। तो पहली स्टेप जो है रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट में ये है कि हम एसेट के रिस्क के सब्जेक्ट को फाइंड आउट करें। रिस्क का सब्जेक्ट क्या है, एसेट है। एसेट पर रिस्क आएगा, एसेट वैल्यूएबल हो गया है उस पर रिस्क आएगा, और उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, और हमें लेवल ऑफ रिस्क देखना है, और हर एसेट को कैटेगराइज करना है। कोई एसेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कोई एसेट कम इंपॉर्टेंट होगा। जैसे बैंक में सेंट्रलाइज डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सारे एसेट्स कम इम्पॉर्टेंट होते जाते हैं। तो हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा, एसेट्स को कैटेगराइज करना पड़ेगा। उसके बाद हमें कैटेगराइज करने के बाद हमें देखना पड़ेगा कौन कौन सा एसेट किस किस तरह का रिस्क है, किस किस तरह का रिस्क उन पर है। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट होता है उस पर रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन कई बार उतना रिस्क नहीं होता उस पर। इसको इस तरह से समझ लें, अगर मान लिया सपोज आपके पास हीरे हैं और आपने एक हीरा दुनिया की सबसे सिक्योर कंट्री में रखा हुआ है, और एक हीरा आपका जो है अफ्रीकन कंट्री में रखा हुआ है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग हीरे रखे हुए हैं, तो अफ्रीकन कंट्री वाला हीरा ज़्यादा रिस्क होगा, जबकि उसकी वैल्यू कम है, लेकिन रिस्क वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। जो सिक्योर कंट्री में रखा हुआ चोरी नहीं होती, वहाँ पर रिस्क बहुत कम होगा। तो आप एसेट्स को कैटेगराइजेशन करेंगे और फिर हर एसेट पर ये देखेंगे रिस्क का लेवल क्या है यहाँ पर, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो हमारी स्टडी ये बोलती है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो बिज़नेस प्रोसेसेस हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस में कितना डिपेंडेंट है। फेसबुक का एग्जांपल, फेसबुक में इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस में बिल्कुल डिपेंडेंट है, क्योंकि फेसबुक में क्या है कि डेटा ही है, सारी चीज़ डेटा ही है। तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस बिज़नेस प्रोसेसेस बिल्कुल डिपेंडेंट है, और कई कंपनीज में डिपेंडेंट नहीं होंगी। कितना लेवल ऑफ डिपेंडेंस हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद हमारी स्टडी कुछ एसेट की कैटेगरी बताती है, और फिर उसके बाद उसके साथ क्या एसोसिएटेड रिस्क हैं उसको एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले डेटा इन्फॉर्मेशन, तो हमारी स्टडी ये कहती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो स्टोरेज डिवाइसेस में होगी, हार्ड डिस्क में होगी, या ट्रांजिट कर रही होगी। डेटा रेजिडेंट डेटा होगा या डेटा इन ट्रांजिट होगा, दो ही तरीके से होगा। तो आपको ये देखना है कि वो डेटा सिक्योर है कि नहीं है, अनप्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन लाइंस में है तो नहीं है, अनऑथराइज डिस्क्लोजर तो नहीं है, कॉपिंग तो नहीं हो रही, थेफ्ट तो नहीं हो रहा है, करप्शन तो नहीं हो रहा है, डैमेज तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप डेटा के रिगार्डिंग देखनी पड़ेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेटा को प्रोसेस कर रहा है। डेटा इंपॉर्टेंट है, और उस डेटा को प्रोसेस करने वाला जो इक्विपमेंट है या मशीन है जिसे कह सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वही डेटा को प्रोसेस करते हैं, रखते हैं, सिक्योर करते हैं, अवेलेबल कराते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी डेटा की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं। मतलब उसके लिए आप और चीज़ें भी लगाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल फायरवॉल लगाते हो, एंटीवायरस लगाते हो, लेकिन वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं।
और जब आप प्रोसेस, आपको डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ता हो, एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प कर रहे होते हैं आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नीचे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चला रहे होते हैं। तो डेटा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर इस डेटा को प्ले कर रहे होते हैं, उछाल रहे होते हैं, मतलब उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं और उससे फाइनल डेटा बना रहे होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो जाते हैं, क्योंकि डेटा की सैंक्टिटी, डेटा की वैल्यू इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट है। तो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं और बिजनेस रूल्स होते हैं बिजनेस एंटिटी के, और उसी के अनुसार आप डेटा को प्रोसेस करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पेरोल सिस्टम में डेटा डाला तो वो पेरोल प्रोसेसिंग कर दी, उसने कहा इतनी इतनी सैलरी सबको देनी है, इतना पीएफ डिपार्टमेंट में जमा कर देना है। तो बेसिकली बिजनेस रूल्स होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, और उससे डेटा प्रोसेस होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटा और इन्फॉर्मेशन रिसोर्स को मैनिपुलेट करता है, ऑथराइज्ड वे में मैनिपुलेट करता है, और रिक्वायर बिजनेस की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करता है, इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट जो बिजनेस यूजर की, स्टेक होल्डर्स की, उसको मीट आउट करता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई प्रोग्राम जो है इंटेंशनल और इंटेंशनल अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन तो नहीं होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल लोगों से, ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए लोगों से, एम्प्लॉय से, कोई एक्सटर्नल लोग ये काम नहीं करने चाहिए, मतलब अनऑथराइज मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, ताकि बिजनेस प्रोसेसेस सही तरीके से रहें, बिजनेस प्रोसेसेस सही तरीके से काम करें और डेटा की सैंक्टिटी सही तरीके से रहें। यानी कि फाइनली इंपॉर्टेंट डेटा है, डेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डेटा को मैनिपुलेट करता है, वैल्यूएबल चीज़ जिसे डेटा कहते हैं उसे मैनिपुलेट करता है। यानी कि अगर कोयला आपने निकाला तो हीरा आपने निकाला तो हीरे को तराशने के लिए एक आपको वो चाहिए, मशीन चाहिए, हीरे को तराशने वाली मशीन। तो तराशने वाली मशीन जो उसको तराश कर वैल्यू उसकी इंक्रीज करती है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप हीरा लेकर आते हो खान से, उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती, कई लोग पहचानते भी नहीं कि हीरा है कि नकली है। फिर उसके बाद वो हीरे वो की तराशने की मशीन में जाता है, वहाँ पर उस पर काम होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ लीजिए, और उसके बाद हीरा निकल कर आता है, वो मशीन भी इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि वे डेटा इंपॉर्टेंट हो गया, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन हार्डवेयर वगैरह, इन पर कमांड कंट्रोल करता है, नेसेसरी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करें। सिस्टम सॉफ्टवेयर 0101 के टर्म्स में कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प होता है। हमने बोला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज में बनते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके प्रोसेसिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करता है। यानी कि ह्यूमन बींग प्रोसेस कर रहा है, ह्यूमन बींग के लिए बीच में कम्युनिकेशन के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की होती है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर से कम्प्लीट कम्युनिकेट करते हैं, और वो अल्टीमेटली मशीन लैंग्वेज 0101 में कन्वर्ट करके डेटा को प्रोसेस करते हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर लॉजिक रन करते हैं, पर्टिकुलर बिजनेस लॉजिक रन करते हैं, और क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका मॉडिफिकेशन उतना ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन इंटेंशनल और अनइंटेंशनल अनऑथराइज मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के मॉडिफिकेशन के लिए स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होती है, और लोगों के पास होती है, हैकर्स वगैरह के पास वो नॉलेज होती है। तो ये देखें इंटरनल एक्सटर्नल लोग इसको मैनिपुलेट ना करें, हमें ये देखना पड़ेगा। इसके अलावा क्योंकि डेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस में होंगे, हार्डवेयर और रिलेटेड इक्विपमेंट में होंगे, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो गए। और हार्डवेयर और रिलेटेड इक्विपमेंट का होंगे कोई फैसिलिटी में रखे होंगे, तो फैसिलिटी भी इंपॉर्टेंट हो गई, उसका उसमें एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट आपको रखना पड़ेगा। तो बेसिस क्या है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कि उस वो स्पीडीली उसमें कैलकुलेशन हो, एक्यूरेट कैलकुलेशन हो, और ये सब चीज़ कौन करता है, ये कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स करते हैं। कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स कौन से, हार्डवेयर डिवाइसेस, पेरिफेरल्स और रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं। तो हार्डवेयर में कंप्यूटिंग होती है और कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, तो हार्डवेयर और रिलेटेड इक्विपमेंट्स फाउंडेशन है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी के, फाउंडेशन है। तो कोई भी हार्म हार्डवेयर और रिलेटेड इक्विपमेंट का होगा तो उसका इम्पैक्ट आएगा आपका इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी में, और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी में इम्पैक्ट आएगा तो डेटा में इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि प्रोसेस डेटा में इम्पैक्ट आ जाएगा, डेटा सही तरीके से प्रोसेस नहीं होगा, और चूँकि डेटा सही तरीके से प्रोसेस नहीं होगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी या जीरो वैल्यू हो जाएगी या डिलीट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी।
तो हार्डवेयर और रिलेटेड इक्विपमेंट भी इंपॉर्टेंट हो गए जी, डेटा इंपॉर्टेंट होगा तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गए। फेसबुक का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो सर्वर डेटा फार्म्स, सर्वर फार्म्स भी इंपॉर्टेंट है जहाँ पर डेटा रखा है, बड़े बड़े सर्वर हैं, फार्म्स हैं, कई बिल्डिंग्स के बराबर के ह्यूज बिल्डिंग्स, कई ह्यूज बिल्डिंग्स के बराबर के डेटा फार्म्स हैं और वहाँ पर डेटा प्रोसेस हो रहा है, कंप्यूटिंग फैसिलिटी है, वहाँ हार्डवेयर लगा हुआ है, वो हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही कंप्यूट कर रहा है, वही आपको भेज रहा है, वहाँ से लाइन आ रही है इंटरनेट की, वो लाइन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फैसिलिटी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट को रखने के लिए स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए, एयर कंडीशनिंग चाहिए, डस्ट फ्री चाहिए, ह्यूमिड कंट्रोल फैसिलिटी चाहिए। बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जो होते हैं उसमें पूरी पूरा कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसमें ये देखा जाता है कि फ्लड्स ना हो, लाइटनिंग ना हो, अर्थक्वेक ना हो, टॉर्नेडो नहीं हो, आग ना हो, कुछ भी उनको अफेक्ट ना करे, क्योंकि अगर अफेक्ट किया, अगर फेसबुक के डेटा सेंटर को अफेक्ट कर गया तो $100 बिलियन सुबह के सुबह वाइप ऑफ हो जाएगा। तो ये सारे एसेट्स हैं, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डेटा हो गया है और डेटा को प्रोसेसिंग के लिए हार्डवेयर सॉरी एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए ताकि प्रोसेसिंग हो, और वो प्रोसेसिंग हार्डवेयर में रखकर प्रोसेसिंग की जाएगी और उसके लिए एक फैसिलिटी होगी जहाँ पर वो हार्डवेयर रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर कही जाती हैं और ये इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और यही एसेट है। इस एसेट को हमें बचाना है, इस कोरिलेटेड एसेट को, असल में हमें डेटा को बचाना है लेकिन इसके नीचे के सारे एसेट्स को भी बचाना है, क्योंकि डेटा को बचाने का मतलब सारे एसेट्स को बचाना है और एसेट्स इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पढ़ेंगे इस एसेट्स में थ्रेट क्या है, थ्रेट्स क्या है, वनरेबिलिटीज़ क्या है और इम्पैक्ट क्या हो सकता है।